फाइव बेस्ट कलेक्शन ऑफ पेनफुल शायरी इन हिंदी आपको बहुत ही काम आएगी अगर आपको किसी को जताना है तो। हेलो फ्रेंड्स, लव ट्यूब्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। सबसे पहली शायरी, आपके बिन टूटकर बिखर जाएंगे, मिल जाएंगे आप तो गुलशन की तरह खिल जाएंगे, अगर न मिले आप तो जीते जी मर जाएंगे, पा लिया जो आपको तो मर कर भी जी जाएंगे। कभी कभी प्यार में इतना दर्द होता है कि सामने वाले को ये जताना होता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ लेकिन तुम मुझे सिर्फ दर्द दे रही हो, और ये सुनो मैं क्या चाहता हूँ, मेरे अंदर क्या फीलिंग्स है। इसके लिए हमें कोई ना कोई शायरी उनको दिखानी या स्टेटस में रखनी होती है, तो ये सबसे पहली अच्छी शायरी है। दूसरी शायरी है, तेरे मिलने की आस न होती तो जिंदगी इस तरह उदास न होती, मिल जाती कभी तस्वीर जो तेरी, मिल जाती कभी तस्वीर जो तेरी तो हमको आज तेरी तलाश न होती। प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है जिसकी वजह से नाराज़गी बढ़ती है, तो थोड़ी दूरी आती है जिससे पेन बढ़ता है, और यही पेन अगर हमें शब्दों से बयां करना हो तो शायरी से अच्छा और कुछ भी नहीं, तो ये शायरी उसके लिए इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तीसरी शायरी, बड़ी आसानी से दिल लगाए जाते हैं पर बड़ी मुश्किल से वादे निभाए जाते हैं, ले जाती है मोहब्बत उन राहों पर, ले जाती है मोहब्बत उन राहों पर जहां दिए नहीं दिल जलाए जाते हैं। अगर आपका पेन हद से ज़्यादा है कि आपने प्यार किया, दर्द मिल रहा है दूरी का या बेवफाई का, कोई भी पेन हो आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो ये शायरी सामने वाले के मुंह पे मार सकते हैं, कह सकते हैं उन्हें कि देखिए ये क्या चीज़ें चल रही है। चौथी शायरी, मोहब्बत के भी कुछ अंदाज होते हैं, जगती आँखों के भी कुछ ख्वाब होते हैं, ज़रूरी नहीं कि गम में आंसू ही निकले, ज़रूरी नहीं कि गम में आंसू ही निकले, मुस्कुराती आँखों में भी सैलाब होते हैं। देखिए कई बार प्यार में ऐसी कंडीशन होती है, हम प्यार करते हैं लेकिन हमें लगता है कि हमने प्यार क्यों किया, अगर ना किया होता तो ये दर्द उतना ज़्यादा ना होता, इसीलिए हमारे अंदर से ऐसी ही चीज़ें निकलती, तो ये कहना कुछ गलत भी नहीं है। अब आखिरी पांचवी जो शायरी, खोया इतना कुछ कि हमें पाना न आया, प्यार कर तो लिया पर जताना न आया, आ गए तुम इस दिल में पहली नज़र में, आ गए तुम इस दिल में पहली नज़र में, बस हमें आपके दिल में समाना ना आया। दोस्तों, सामने वाला अगर आपको ये कहता है, ये जताता है कि आप उनके लिए उतना महत्व नहीं रखते, ना ही कोई ख़ास उनको एहसास है, आपको मोहब्बत है लेकिन उनको कोई लेना देना नहीं, तो ये जो दर्द है ये वो बयां करने के लिए ये शायरी इतनी अच्छी है कि सामने वाला खुद समझ जाएगा कि कर क्या रहा है वो। तो ये पांच पेनफुल शायरी है जो बहुत ही अच्छा कलेक्शन है, मोस्ट हार्ट टचिंग लाइन्स भी कह सकते हैं इसे। जो भी लाइन्स, जो भी शायरी पेनफुल आपको पसंद आई हो कमेंट बॉक्स में बताइए, कोई आपके अंदर से कोई भावना आ रही है तो सारी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों फ्रेंड, वीडियो को देख रहे सारे जी बी फ्रांजा मजमू लला जो भी हो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों, नो बेटर लिव बेटर।